गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टेक जीके। बच्चों हम जीके में आज 19 जो है लेसन करेंगे, 19 वर्ड्स फॉर प्लेसेस, यानी कि वो शब्द जो जगहें हैं होती हैं, जो जगहों बताते हैं। वी कॉल सम प्लेसेस बाय देयर स्पेशल नेम्स, कैन यू नेम देम बाय रीडिंग द फॉलोइंग। सबसे पहले, अ प्लेस वेयर ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक्स आर मेड ऑफ और सोल्ड, जो बनती है और बेची जाती है वो क्या कहलाती है जगह? बेकरी। सेकेंड, अ फॉर्म विच कीप्स काउज एंड बफेलोज एंड सप्लाईज मिल्क, जहाँ काउ एंड बफेलो रखे जाते हैं और दूध सप्लाई किया जाता है, उसको कहते हैं डेयरी। थर्ड है, अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड्स आर मेड, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कह सकते हो आप, जो ग्रुप होता है बिल्डिंग्स का, बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं वहाँ पे जो है, क्या बनता है, वेयर गुड्स आर मेड, जैसे कुछ सामान बनाया जाता है वो आपकी कहलाएंगी फैक्ट्रीज। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, वो जगह जहाँ पे कॉइन्स यानी सिक्के बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएगी? मेंट। उसके बाद वो फिफ्थ है, अ प्लेस वेयर, इसमें आपका कटो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट द स्पेशली ओल्ड वंस आर कैप्ट एंड डिस्प्लेड फॉर पीपल टू सी, वो जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी हो जाती हैं फिर वो रखी जाती हैं, वहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, वो कहलाती है म्यूजियम। फिर सिक्स्थ, अ प्लेस फ्रॉम विच आ रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम इज़ ब्रॉडकास्ट, वो जगह जहाँ से रेडियो और टेलीविज़न में प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाते हैं वो कहलाती है स्टूडियो। अ स्मॉल रूम और लार्ज कबोर्ड वर फूड एंड टेबल वर एंड द सिमिलर आर्टिकल्स आर कैप्ट, वो आपकी वो एक स्मॉल रूम होता है और लार्ज कबोर्ड होता है वो, और आप कह सकते हो सिमिलर कुछ चीज़ें रखी जाती है, वो क्या कहलाएगी? पैंट्री। अ प्लेस वेयर यंग चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, वो एक कह सकते हो आप, वो जगह जहाँ बच्चे देखते हैं एंड पेरेंट्स जो हैं उनके वहाँ काम करते हैं, वो क्या कहलाएगी? जो मतलब एक कह सकते हो जब पेरेंट्स काम करते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पर रखते हैं एक तरह से, तो वो कौन सी जगह कहलाएगी? जब पेरेंट्स काम करने चले जाते हैं अपने बच्चों को वहाँ पे रख के किसी के यहाँ हवाले छोड़ के जाएंगे ना, तो वो कहलाती है आपकी क्रच सेंटर। ठीक है, उसके बाद नाइन है, अ प्लेस और अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स लिव, वो जगह जहाँ पे वो बिल्डिंग होती है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, जो कह सकते हो आप जो लाइक साधु महात्मा होते हैं, मॉनेस्ट्री। अ प्लेस वर यू कैन टेक योर कार फॉर रिपेयरिंग, जहाँ पे आप अपनी कार को रिपेयर करने के लिए ले जाते हो वो जगह कहलाएगी गैरेज। अ लार्ज रूम विथ सेवरल बेड्स वेयर सेवरल पीपल स्लीप, वो जो एक बहुत बड़ा रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या कहलाएगी? डॉर्मिनेंट्री। डॉर्मिनेंट्री। अ बिल्डिंग मेड ऑफ द ग्लास फॉर कीपिंग प्लांट्स वार्म, ग्रीन हाउस कहलाएगा वो, ग्रीन हाउस। अ प्लेस वर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, वो जगह जहाँ पे पानी बहुत सारा इकट्ठा करके रखा जाता है वो आपका कहलाएगा रिस्टवॉर, आपका यहाँ पे ओके। अ प्लेस वर शिप्स आर बिल्ट और द रिपेयर्ड, वो जगह जो आप जहाँ पे शिप्स बनाए जाते हैं रिपेयर किए जाते हैं, शिपयार्ड। अ प्लेस वर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, तो वो कहलाएगी आपकी ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी। ओके, तो आपको वो जगहों के नाम बताने हैं इसमें, और आपको उसके बाद है आपका यूनिट 3 स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 3 में हमारा जो है स्पोर्ट्स के ऊपर है सारा, तो ये हम आगे करेंगे आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।